हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज ये मेहंदी लगाने जा रहे हैं, करवा चौथ की स्पेशल मेहंदी। एक हाथ पे तो मैंने लगवा ली थी, कल मेरी भाभी आई हुई थी उनसे लगवा ली थी, और ये वाला मेरा दूसरा हाथ अभी खाली, क्योंकि ये 4-5 घंटे में सिर्फ इसी को कवर कर पाएंगे। लगाएंगे मिटाएंगे, लगाएंगे मिटाएंगे। तो गाइस ये देखिए, इन्होंने मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी है। परफेक्ट तो नहीं है बट अच्छी लगाते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लेते हैं। इसको लगा दी है, अब मैं और धीरे और भी लगा रहा हूँ, 1 घंटा लग गया इसको लगाने में। ये देखिए, ये अभी भी लगे हुए हैं, और ये डिजाइन तो आपको अब समझ आ ही रहा होगा कि इन्होंने क्या बनाया है। कौन है ये, क्या बनाया है? ये बनाई है लड़की, लड़की दुल्हन। मैं नहीं हूँ ये। हाँ तू ये तो है, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि लड़की है दुल्हन है? गलती से निकल गया। कौन है ये? मैं हूँ ना। आपके दिमाग में कोई और लड़की तो नहीं चल रही है? कभी वही बना दी हो। मैं दिमाग में और कोई लड़की थी वही लग गया मैंने, कोई और लड़की थी। कितना टाइम और लगेगा? 1 घंटा। और गाइस आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये अपने दिमाग से नहीं बनाया है, इन्होंने ये कॉपी किया है यहाँ से, इसकी फोटो लेके इसमें से देख देख के इन्होंने यहाँ पे इसको उतार दिया है। ये देखिए, इनको 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, और मैंने 3 जगह बदल ली हैं, इतना परेशान हो गई हूँ मैं। तो गाइस ये अब इस मेहंदी को फाइनल टच दे रहे हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैंने फाइनली इसको कंप्लीट कर दिया है। देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, टाइम लगाया है 3 घंटे, पर बहुत ही अच्छी लगाई है। ये इतनी हिल रही थी और मेरे को इतना परेशान कर रखा था, फिर भी मैं लगा हुआ था। हम कहा चुप हो जाए, लगा दे मत, हिल मत, वीडियो बना बाद बना लियो, पर बार बार हिल रही थी, एक जने बैठ ही नहीं सकते आराम से। तो बहुत 3 घंटे बैठना आसान बात है क्या? तो टाइम तो लग गया है, प्रोफेशनल थोड़ी ना, मैं तो एक ही चीज बहुत बारीकी से। और मैं कैसे बैठूं 3 घंटे? ये भी तो देखो कमेंट में, देखो कितनी डेकोरेशन की है। ये छोटे छोटे दिए बनाए मैंने यहाँ पे, ये चांद बनाया, ये छलनी बनाई है, इसका जूड़ा बनाया है, इसकी चुन्नी, सब कुछ ना अच्छा बनाया मैंने। लहंगा कहाँ है? लहंगा ये लहंगा इसका, ये इसके फ्लावर है लहंगे के अंदर। कहाँ है ये रे फ्लावर? अच्छा, और ये नहीं दिखी थाली? हाँ ये थाली भी है, लोटा, दिया, खाने का सामान। हेलो गाइज, आज करवा चौथ है और ये मैडम जी अभी नहाकर आई हैं, और ये इन्होंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने इतनी सारी नेल पेंट रखी हुई हैं, ये देखिए, अब ये एक एक को ट्राई करेंगी अपने नाखूनों पर। एक एक को ट्राई नहीं करूंगी, जो मैचिंग कलर है वही लगाऊंगी बस, सारी को ट्राई करूंगी। पता नहीं, मैंने तो यही देखा है, जब ये रेडी होती है ना, इनको लगाएगी नाखूनों पर, उनको बार बार इनको थीन में उंगली को डुबोएगी, फिर इनको उतारेगी, फिर लगाएगी, फिर उतारेगी, आधे घंटे 1 घंटे तक इसका ये काम चलता रहेगा। और ये सर धो के आई हैं, फिर सर में हवा मारेगी, वो मारेगी इसके बोले ना ड्रायर, फिर ये सिर में ड्रायर मारेंगी बालों में। गाइस इन्होंने 3 दिन मेरे से इतना काम करवा लिया है, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, पर मैं फिर भी व्लॉग बना रहा हूँ इनका। और ये देखिए, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है नेल पेंट लगाना, अब इन्होंने स्टार्ट किया है, 12 बज चुके हैं, और ये शाम के 7-8 बजे तक रेडी होने में ही निकाल देंगी। ये देखिए गाइस, इन्होंने नेल पेंट लगा ली है, और ये उंगली पे, पैरों के नाखूनों पे, सब पे लगा ली है। इस वाली पैर की उंगली का तो नाखून भी नहीं था, इसने ऐसे लगा दी, ये देखिए इस वाली तो पैर गंदा लगता ना, इसका नाखून तो नहीं था, ये सारी खाल पे लगा ली नेल पेंट। तो क्या हो गया पता नहीं, जब से पैदा हुई तब से ही नहीं था, ये बाद में नहीं था, पता नहीं हमें तो। देखिए अभी तक इसकी तैयारी चली हुई है, 2 घंटे हो गए हैं, कभी आँखा पे मस्कारा लगाओ, कभी मस्कारा लगाओ है, आज की डेट में तैयार हो भी जाओ देखना हो है। नुहे ठहरी है, मुँह ना ऊपर लग रही शीशे में, ये सारी ताक काली कर ली। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और सुबह से ये मेरे पीछे लगे हुए थे कि कब रेडी होगी, कब रेडी होगी, तो नाउ आई एम रेडी। तो चलो उनको चल के दिखाते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ।
हाँ जी अरे, कैसी लग रही हूँ मैं? तैयार तू? कमाल हो गया, पूछ भी तैयार होगी? जल्दी होगी ना? सुबह तक लाग रही, 3 घंटे हो गए ना इतनी तैयार होने में। सुबह तक जल्दी होगी तू? 12 बजे तो ना के आई थी। हाँ फिर भी 3 बज गए ना, 12 तक 3 घंटे, 3 बजे तक 3 बज गए। तो तैयार भी तो अच्छी हुई हूँ। हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, जल्दी तैयार हुई ना? बिल्कुल हीरोइन लग गए। बहुत सुंदर लग रही हूँ ना पार्ट? बता दे। बहुत गंदी है? गंदी लग रही हूँ? हाँ। हाँ, मुझे मेहंदी पसंद नहीं। अरे मेहंदी नहीं, वैसे पूछ रही हूँ कैसी लग रही है। वैसे अच्छी लग रही है, पर मेहंदी भी अच्छी लग रही है। वैसे अच्छी लग रही हूँ ना बस। अच्छी लग रही है, बात खत्म। पर मेहंदी अच्छी लग रही है। पापा को अच्छी नहीं लगी? मैं नहीं, अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मजाक कर रहा था। सच में? बहुत सच्ची सच्ची लग रही है, लग रही हूँ या नहीं? अच्छी सच्ची लास्ट बार? हाँ अच्छी अच्छी लग रही है। खा ले थोड़ी सेब, तो भी खा ले, किसी तरह बताऊ मैं। मैं क्या किसी से डर रहा हूँ? अपनी मर्जी का व्रत रख रखा मैंने, करवा चौथ का होता है मेरा, मैंने भूखना है। बोल बने मिट्टी आता सुनता है मुंह ऐसा रस्सा बोल जा रहा है, मिट्टी 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 है पति रस मुंह में गड़ रहा सारे में, मैंने भूखना है, खा लो आप। कुछ ना हो रे गुड़क में यार, क्यों हो जाएगा? मैंने खानी है ना, जब अपनी मर्जी तक रखती हूँ मैं। तरबट टूट जाएगी मारी कभी है, इतनी मिट्टी सेहत में खाइए को ना, इतनी मिट्टी सेहत है। ये ओरियो वाले बिस्किट पड़े पड़े अंडा करते पार्क भी ना खाया करता हूँ मैं, और आज ही साजी कर रहे हैं उन्हें खा लूँ, आज वे बढ़िया लग रहे हैं। हम तो रसगुल्ले खाओ भाई, बहुत मीठे मीठे रसगुल्ले, वाह बहुत टेस्ट है, वो मीठे हैं, खा ली है? मम्मी ने मत बताइए। ना ना खा लूँ? हाँ पक्का? हाँ किसे मत बताइए? ना ना मम्मी 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 चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैडम जी क्या कर रही हैं, कभी फ्रिज में घुस रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, इसको इतनी भूख लगी हुई है और बार बार कभी कोई कुछ खाने का सामान देख रही है, ढूंढ रही है इसको। अच्छा उसको थोड़ा भूख बढ़ जाएगी इस तरह ना, फिर स्मेल तो बड़ा थोड़ी होता है, स्मेल लेंट है तो पागल खा ले, स्मेल नहीं होता खा भी लिख तो तुम ना, मैंने भूखना है। अरे खा ले, भूख है ना? अरे खा ले खा ले, मैं तो बस स्मेल ले होती, भूखना है मुझे। स्मेल लेना खाना एक कदम बात हो जाए यार। और ये बाप भी तो पेट में गई होंगी, कुछ मौसम हो रही किसी सब्जी बन रही है। चलो ध्यान देना पड़ेगा तो अगर बर्तन ना टूट जाए। ये देखिए गाइस, ये चांद का वेट कर रही है और अभी तक चांद निकला नहीं है, ऊपर हमें 1 घंटा हो गया छत पे खड़े हुए। ये देखिए ठंड भी लग रही है बहुत ज्यादा, कांप रहे हैं, इतनी हवा चल रही है। और भूख लग रही होगी आपको तो? भूख भी लग रही है, साथ में ठंड भी लग रही है, हवा चल रही है बहुत जोर। कंबल ही आती ना एक छत पे, कंबल निकला नहीं है आपका, कंबल तो आपके साथ में। ये देखो गाइस चांद निकल चुका है पर हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ऑनलाइन देख रहे हैं। ये देखिए फोन के अंदर चलते ही रहने देना, बहुत सारे लोग देंगे अर्घ। अब हम ऑनलाइन देख के अपना व्रत पूरा करेंगी मैडम जी, आओ। चांद निकल ही नहीं रहा, ठंड लग ये देखिए इतनी तेज हवा चल रही थी साइड में आके, मुझे देख रही है यहाँ से छलनी में से, मैं बार बार मारा दिया बुझ रहा था। अब ये ऑनलाइन देख के चांद को फोन में और मेरी आरती उतारेगी। आशीर्वाद तो ढंग से देता, दे दिया आशीर्वाद, दोबारा से दोबारा से फिर दे दो ये देखे गाइस हमारा हो गया करवा चौथ का व्रत पूरा, ये मैंने इसको पानी पिला दिया है, बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी मैं अंदर आना पड़ा यहाँ पे, बस सारा पानी पियोगी पेट पाट जाएगा, प्यास लग रही है, ये भगवान तो पानी से पेट भरेगी, प्यास लग रही थी पानी की, भूख ना लग रही, रसगुल्ले खा ले, खवा दे मेरे रसगुल्ला। मैं फोन में, अरे फोन में ध्यान नहीं था मेरा, दोबारा कहूँ बस इसकी बड़ी मारने लड़की से।
ओके गाइज बाय गुड नाइट। तीन तीन जगह चेंज की हमने, बाहर से अंदर, अंदर से फिर बाहर, चांद की पूजा करने के लिए। और अभी तक चांद हमारा निकला नहीं है, करनी पड़ी है। ये देखिए बिल्कुल बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं।